हेलो दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज जो हम ब्लॉग बना रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही ऐतिहासिक ब्लॉग होगा क्योंकि आज है 22 जनवरी 2024। आज अयोध्या में राम मंदिर बनकर पूरी तरह से रेडी हो गया है। उसका प्राण प्रतिष्ठा, उसका पूजा, उसका उद्घाटन आज होने वाला है। और आज केवल हम नहीं, पूरा देश झूम रहा है, पूरा देश खुशी में है। रामलला की मंदिर फाइनली बन के रेडी हो चुकी है। तो अयोध्या में तो भरपूर जश्न हो रहा होगा, लेकिन अयोध्या तो नहीं जा सके क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है। तो छोटा मोटा प्रोग्राम आज भारत का हर गाँव झूम रहा है, तो हमारा भी गाँव बिल्कुल झूमेगा ही झूमेगा। बहुत जल्द जाएंगे, हाँ, तो हम लोग भी अयोध्या बहुत जल्द जाएंगे। तो आज थोड़ी सी अरुण की तबीयत खराब थी, इसलिए अरुण के ब्लॉग में मैं बोल रहा हूँ। तो आज बाय द वे हमारे गांव में यही हो रहा है कि पूरा गांव झंडा उंडा लेकर के घूमना है। हर मंदिर में प्रोग्राम हो रहा है, भजन कीर्तन का आयोजन हो रहा है, और सब गांव वाला कुछ कुछ पैसा कलेक्ट करके एक प्रोग्राम किए हैं दुर्गा मंदिर के पास। वहां पर भजन कीर्तन होगा और प्रसाद का भी व्यवस्था हुआ है, और हम लोगों ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया, उस पर चंदा दिया है। तो सब मिल करके दोस्तों, पूरा गांव आज खुशी है। सब सुबह सुबह नहा करके पूजा पाठ कर रहा है और घूम रहा है। अब देखते हैं आगे क्या क्या प्रोग्राम होता है। आप लोगों को पूरा गांव घुमाएंगे और सब चीज़ दिखाएंगे। हमारा गांव भी पीछे नहीं है इन सारी चीज़ों में। आज गांव में दोस्तों बहुत ज़्यादा मस्ती होने वाली है। तो दोस्तों, दुर्गा मंदिर से सभी कोई चौक आ गया है और यहीं पे लाइन लगा के एक साथ सभी गांव के लोग निकलेंगे गांव भ्रमण करने। और यहां देखिए, सभी बच्चे को एकदम झंडा देके लाइन लगा दिया गया है और सभी को पट्टी दे दिया गया है सर पे बांधने के लिए, ताकि सज धज के सभी गांव के लोग, बड़े बच्चे एक साथ एकदम जयकारा लगाते हुए पूरे गाँव भ्रमण करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, तो मेरा फोटो खींचने वाला कोई नहीं था, तो हम खुद से ही ऐसा फ़ोटो खींचे कि सभी को एकदम एक साथ लेके फ़ोटो खींच लिए, यानी कि वीडियो में ही इंक्लूड कर लिए सभी को बैक कैमरा से। अब चलिए यहाँ से निकलते हैं आगे गांव की ओर। और यहाँ देखिए, बहुत सारे बच्चे को कार से लाया गया क्योंकि ये बच्चे थोड़े दूर के थे और टाइम भी निकला जा रहा था, तो जल्दी जल्दी कार से लाया गया और सभी बच्चे को पीछे भेज दिया गया झंडा लेके लाइन में लगने के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं झूमते हुए, गाते हुए, डांस करते हुए, एंजॉय करते हुए। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि गांव में जितने भी मंदिर हैं सभी जगह पूजा करते हुए जाएंगे, और यहां पे बजरंग बली का मंदिर है तो यहां पे पूजा करते हैं, इसके बाद निकलते हैं आगे।
दोस्तों पूरा गांव घूम के हम आ गए, एक मोहल्ला बाकी है तो गया है सभी लोग। हम रुक गए घर में, ठीक नहीं लग रहा था तो अभी खैर जाएंगे दुर्गा मंदिर। एक चुनरी मिला था सर पे बांधने के लिए, जिसको हम बांधे पूरा रास्ता। घर आके देखो हाथ हमारे लिए कैसा लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग दुर्गा मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। तो सबसे पहले बच्चे लोगों को बैठा के खिलाया जा रहा है क्योंकि बच्चे लोग काफ़ी भूखे थे, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। तो दोस्तों अभी लगभग शाम के 4:30 बज रहे हैं और मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यार, तो हम तो जा रहे हैं सोने। और यह ब्लॉग अभी मैं अपलोड कर दूँगा और मैं जानता हूँ इस ब्लॉग में लगभग 5-6 कॉपीराइट क्लेम आएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपलोड कर दूँगा क्योंकि कोई उपाय नहीं है, अभी एडिटिंग नहीं कर सकते। और दीप जो है रात को जलाया जाएगा घर पे, वो भैया अपने ब्लॉग में दिखाएंगे आप लोगों को, तो जाके ज़रूर देख लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।